अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम मज़ीद लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ मज़ीद थ्योरम्स देखेंगे और कुछ बूलियन फंक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक्स है उसे भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिक थ्योरम जो हमने लास्ट टाइम कवर किए इसके अलावा भी कुछ मज़ीद हमारे पास थ्योरम्स मौजूद हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनड पोस्टुलेट्स देयर आर सम मोर यूजफुल थ्योरम हेयर, जैसे कि एक ये हमारे पास थ्योरम है जो कहलाता है इंडेम्पोटेंसी। ठीक है, इंडेम्पोटेंसी में का मतलब सिंपली ये है कि आप एंड कर रहे हैं या और कर रहे हैं तो आप सेम वैल्यूज के साथ करें। ठीक है, सेम वैल्यूज का मतलब है एक्स डॉट एक्स या एक्स प्लस एक्स, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो एक्स प्लस एक्स हो इसका रिजल्ट भी एक्स ही आता है, और एक्स डॉट एक्स हो इसका रिजल्ट भी एक्स ही आता है। कैसे, इसके लिए रेफरेंस के लिए आपके पास ट्रुथ टेबल मौजूद है। साथ साथ ट्रुथ टेबल में अगर आप ध्यान दें तो एक्स डॉट एक्स का मतलब या एक्स प्लस एक्स का मतलब क्या है, सेम वैल्यूज। यानी एक्स पे 1 है तो दूसरा भी एक्स है वो भी 1 होगा, एक्स पे 0 है तो दूसरा भी एक्स है उस पर भी 0 होगा। यानी सिर्फ हम अपने ट्रुथ टेबल में ये वाले कॉम्बिनेशन कंसिडर कर लो जिसमें दोनों इनपुट्स की वैल्यू सेम हो। ठीक है, यानी 0 0 वाला कॉम्बिनेशन और 1 1 वाला कॉम्बिनेशन। तो इस वाले में अगर ट्रुथ टेबल में देखा जाए और गेट में तो 0 0 पर रिजल्ट 0 ही आ रहा है और 1 1 पर रिजल्ट 1 ही आ रहा है। यानी इनपुट पे अगर एक्स एक्स हो तो आउटपुट भी एक्स आ रहा है। तो इन सिंपल वर्ड्स एक्स प्लस एक्स इज एक्स। सेम हम एंड गेट के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं ट्रुथ टेबल में चेक करता हूँ 0 0 वाले कॉम्बिनेशन पे 0 ही आ रहा है और 1 1 वाले कॉम्बिनेशन पे 1 ही आ रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोथ इनपुट्स पे एक्स अप्लाई कर रहा हूँ तो आउटपुट भी मेरा एक्स ही आ रहा है। तो हेंस प्रूफ यूजिंग दिस ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल से हमने वेरीफाई कर ली ये चीज़ कि अगर इनपुट्स दोनों सेम होंगे तो आउटपुट भी वही आ जाएगा जो इनपुट पे आ रहा है। तो इंडेम्पोटेंसी का जो थ्योरम है इट मीन्स के एक्स प्लस एक्स इज इक्वेलेंट टू एक्स और एक्स डॉट एक्स इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू एक्स। ठीक है, होपफुली क्लियर होगी ये बात। फिर इसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम है, वो है निगेशन। निगेशन का मतलब ये है कि अब मैं एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। यानी अगर मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूँ किस चीज़ की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है कि निगेशन में अब ये बात करें यानी एक्स को एक्स के कॉम्प्लीमेंट के साथ रिजल्ट करना है और भी और एंड भी, और दोनों के रिजल्ट में चेक करना है क्या आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्स की बात की जाए यानी अगर ए 0 है तो बी का 1 होना ज़रूरी है, यानी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। तो इस सूरत में और गेट 1 देता है, और अगर ए 1 हो तो बी उसकी वैल्यू कॉम्प्लीमेंटेड होना जरूरी है यानी 0, तो उस केस में भी और गेट 1 ही देता है। तो कॉम्प्लीमेंटेड केस में यानी एक्स प्लस एक्स बार और कुछ भी हो, यानी एक्स बार प्लस एक्स कर लें या एक्स प्लस एक्स बार करें, दोनों सूरतों में और गेट क्या रिजल्ट जनरेट करता है, 1। और ये बात यहाँ से प्रूव हो रही है। यही दो कॉम्बिनेशन अगर मैंने और गेट में पिक किए तो 0 और 1 के रिजल्ट में भी एंड गेट 0 देता है और 1 0 के में भी एंड गेट 0 देता है। यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमेशा एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमेशा एंड गेट में, यानी डॉट कह रहा हूँ ऑब्वियस है, एंड गेट की बात कर रहा हूँ, 0 ही आता है। क्योंकि बोथ 0 आ रहे हैं तो मैंने फिक्स लिख दिया 0। तो निगेशन का थ्योरम ठीक है ये, यानी एक्स को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करना या एंड करना इसके रिजल्ट कहलाते हैं। और हमेशा जाहिर सी बात है ओपन है काफी, तो और का रिजल्ट 1 जल्दी आ जाता है और एंड चूंकि रिस्ट्रिक्टिव है तो इसका रिजल्ट 0 आ जाता है निगेशन के केस में। ठीक है, आइडेंटिटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दो पीसेज में कवर कर रहे हैं, आइडेंटिटी एंड नल। आइडेंटिटी यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि मैं 1 के साथ एंड करके देख रहा हूँ, 1 के साथ ही और करके देख रहा हूँ। ठीक है, यानी एक इनपुट मेरा 1 है फिक्स और एक इनपुट पे मैंने एक्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको किस तरीके से देख सकता हूँ ट्रुथ टेबल में, अगर बात की जाए कि एक इनपुट तो मेरा फिक्स 1 है, ठीक है, और फिर मैं चेक कर रहा हूँ एक पे 0 दे के क्या आउटपुट क्या आता है, तो आउटपुट और का तो 1 आता है, और दूसरे पे अगर मैं 1 देता हूँ तो आउटपुट क्या आता है, दूसरे केस में भी 1 आता है। ठीक है, तो ये तो वही वाली चीज़ हो गई जो थोड़ी देर पहले हमने प्रूव की थी कि और गेट में हमेशा मेरे पास 1 आ जाएगा अगर एक भी लाइन पे मेरे पास 1 मौजूद है। ठीक है, अगर एक लाइन मेरी फिक्स 1 है तो मेरे पास दूसरी लाइन पे
कुछ भी आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट मेरा हमेशा वन ही रहेगा, और ये बात यहाँ से प्रूव हो रही है। ठीक है, ए लाइन को मैंने वन कर दिया और बी पे मैं चाहे जीरो दूं या वन दूं, मेरा आउटपुट हमेशा वन आ रहा है। तो ये बात प्रूव हो गई कि और गेट में अगर एक भी वन आ जाए, बाकी सारे एक्स हों, तब भी मेरा रिजल्ट वन आ जाएगा, एटलीस्ट एक वन होना जरूरी है। सेम रूल और के लिए, एंड के लिए क्या कहते हैं, एंड के लिए अगर मैं वन कर दूं तो अगर इस लाइन पे जीरो है तो आउटपुट मेरा जीरो आता है, इस लाइन पे वन है तो आउटपुट मेरा वन आता है। यानी एंड गेट कह रहा है कि अगर एक लाइन फिक्स वन है तो जो दूसरी लाइन पे आएगा वही मेरा आउटपुट होगा, यानी दूसरी लाइन पे अगर जीरो आएगा तो जीरो, दूसरी लाइन पे वन आएगा तो वन। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरी लाइन पे एक्स आएगा तो एक्स ही मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, यानी एक्स प्लस वन इज वन, लेकिन एक्स डॉट वन इज एक्स। ठीक है, एक्स डॉट वन इज एक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि और गेट में एक भी वन हो जाए वन, लेकिन एंड गेट में अगर वन हो जाता है तो जो दूसरी लाइन पे आ रहा है वो आ जाएगा। तो दूसरी लाइन पे जीरो आएगा तो जीरो, वन आएगा तो वन, और इन जनरल एक्स आएगा तो एक्स। ठीक है, इसी से मिलता जुलता थ्योरम है नल वाला। नल का मतलब है कि एक लाइन पे मैं फिक्स कर देता हूँ जीरो। अब मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूँ, एक लाइन पे फिक्स कर देता हूँ मैं जीरो और गेट में, और दूसरी लाइन पे अगर मैं जीरो देता हूँ तो आउटपुट पे जीरो आ रहा है, वन देता हूँ तो आउटपुट पे वन आ रहा है। इन अदर वर्ड्स, एक्स दूंगा तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स प्लस जीरो इज एक्स। ठीक है, जिस तरह एंड गेट वन के साथ काम करता है, इसी तरह और गेट जीरो के साथ काम करता है, तो एक्स प्लस जीरो इज एक्स। ठीक है, ये याद रखना है हमने थ्योरम। ये थ्योरम क्यों याद करा रहा हूँ, छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन आगे ही आपको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प आउट करेंगी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। यानी कॉम्प्लेक्स बड़ी सी सर्किट डायग्राम में बड़ी सी इक्वेशन के मैंने, आप उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे तो हार्डवेयर ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, एरर भी ज्यादा आ सकते हैं, समझ लें। लेकिन अगर आप उस इक्वेशन को पेपर पेंसिल पे इन पॉस्टुलेट्स और एल्गोरिथम्स की बेस, एल्गोरिथम के अनुसार थ्योरम्स की बेस पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इवेंचुअली जो आपका सर्किट होगा बहुत छोटा हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, इंप्लीमेंटेशन भी आसान हो जाएगी। तो ये फायदा होगा इन थ्योरम से कि आप पेपर पेंसिल पे अपना सर्किट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर एंड गेट का अगर देखूं मैं, एंड गेट में अगर मैं एक लाइन को जीरो कर देता हूँ फिक्स, वैसे तो ऑब्वियसली आपको पता है एंड गेट का एक भी जीरो हो जाएगा तो आउटपुट विल भी जीरो, डजेंट मैटर दूसरी लाइन पे कुछ भी आता रहे, वन आएगा या जीरो आएगा, आउटपुट हमेशा जीरो आएगा। तो एंड गेट में अगर एक लाइन पे जीरो आ जाए तो डजेंट मैटर, आउटपुट हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि एंड गेट जिस तरीके से बिहेव करता है जीरो के साथ, और गेट बिल्कुल इसी तरह बिहेव करता है वन के साथ। देख रहे हैं, एक्स डॉट जीरो इज जीरो, लेकिन एक्स प्लस वन इज वन। और गेट में एक भी वन आ जाए तो आउटपुट विल बी वन, एंड गेट में एक भी जीरो आ जाए तो आउटपुट विल बी जीरो। ये वाली चीज भी देख ली हमने, इस तरीके से बिहेव करता है। और इसके अलावा इसमें भी, अच्छा ये वाले की बात कर रहा था मैं, तो अगर मैं अपोजिट कर दूं, और गेट में एक भी जीरो आ जाए, एक जीरो आ जाए तो एक्स आएगा, और एंड गेट में अगर एक वन आ जाए तो एक्स आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, और जीरो पे एक्स देता है एंड वन पे एक्स देता है। और लास्ट थ्योरम है हमारे पास एनवोल्यूशन, और ये बड़ा सिंपल सा है, यानी टू इन्वर्टर इन अ सीरीज, वो जो हमने बात की थी ना कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका सिंपली मतलब क्या है कि दो इन्वर्टर इन सीरीज अगर आएंगे तो इसका रिजल्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी, एनवोल्यूशन का मतलब है ये कि मैंने एक इन्वर्टर बनाया, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये इन्वर्टर आ गया, और मैं आपको ये अप्लाई करके भी बता देता हूँ। ठीक है, ये इन्वर्टर आ गया, तो कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट, और एक्स कॉम्प्लीमेंट पे फिर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर एक्स आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को समझ लें कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये एक दूसरे को कट कर दिया इन्होंने, सिर्फ क्या बचा मेरे पास एक्स। तो इसलिए लिखा हुआ है कि एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर से यहाँ पे वन आ रहा था तो इन्वर्ट होकर यहाँ जीरो हो गया, और जीरो को फिर मैंने इन्वर्ट किया तो वन ही हो गया, तो वन इज इक्वेलेंट टू वन, तो इट मीन्स दैट इज इक्वेलेंट टू दैट, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू एक्स। ठीक हो गया, ये बात समझ में आई है? समझ में आनी चाहिए, मेमोराइज अभी नहीं हो रहे कोई मसला नहीं, ठीक है, एक दिन में सब कुछ याद नहीं रहेगा, सब कुछ जहन में नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी हो जाएगी। बस अभी सिर्फ मैं क्या पूछूंगा, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि ये इस तरह मैं कह रहा हूँ होगा तो आप समझ पा रहे हैं ये क्यों होगा, सिर्फ इस चीज का जवाब दे दे कि अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है, मेमोराइज नहीं होते अभी कोई मसला नहीं है, ये ऐसे ऐसा थोड़े दिन लगेंगे मेमोराइज होने में, जितना आप इसको यूज करते जाएंगे तो मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक थ्योरम में हमारे पास एक थ्योरम होता है जो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है कि अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड देखें तो सिंप्लीफाई हो जाती है, कह रहे हैं एक्स प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वेलेंट टू एक्स, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसको अगर मैं अभी जो अपने थ्योरम वगैरह पढ़े हैं उसके तहत सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा प्रूफ। कैसे प्रूफ हो जाएगा, चले मैं आपको करके बता देता हूँ। ये इक्वेशन है ना मेरे पास x प्लस एक्स डॉट वाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बताएं इस पे अगर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूँ मैथमेटिक्स में? इफ y इक्वल्स टू वन, जरूरी नहीं, मैं इसमें से सिर्फ क्या करता हूँ x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अब बताएं क्या आएगा, x कॉमन निकाल लेता हूँ क्या रह जाएगा, वन प्लस वाई, क्या ये बात सही है? अगर x कॉमन निकाल लूं तो वन प्लस वाई रह जाएगा जी क्लास, बताइए। अच्छा ठीक है, अगर x में कॉमन निकाल लेता हूँ वन प्लस वाई रह जाता है, और x ऐसे ही रखते हैं, लेकिन अभी भी हमने एक थ्योरम पढ़ा क्या था कि अगर वन के साथ में और करता हूँ कोई भी नंबर तो रिजल्ट क्या आता है हमेशा मेरे पास, और गेट में अगर एक लाइन पे वन आ जाए तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, तो ये आपको बात पता लग गई, तो वन आएगा। और यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे तो डॉट हो रहा है, डॉट ऑपरेशन है ना, डॉट लिखा हुआ नहीं मैंने, डॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या बच गई है, एक्स डॉट वन, तो एक्स डॉट वन क्या आएगा रिजल्ट, अगर मैं एंड करता हूं और एंड की एक लाइन पे वन आया हुआ है तो दूसरी लाइन पे एक्स है तो आउटपुट पे क्या आएगा, एक्स आएगा। तो हैंस प्रूफ कि ये वाली साइड एक्स के इक्विवेलेंट है, सबसे सिंपलेस्ट है, कॉमन लिया सॉल्व कर दिया, बिल्कुल ये वैसे ही सॉल्व हो गया जैसे कि आप नॉर्मल एलजेब्रा सॉल्व करते थे, ठीक है, ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। हाउ अबाउट एब्जॉर्प्शन बी, बी वाला कैसे सॉल्व होगा, जी क्लास बी को कैसे सॉल्व करूंगा, तो बी को भी सॉल्व करके बता देता हूं। बी के लिए मैंने कर लिया प्रूफ, अब बी में क्या है मेरे पास, एक्स डॉट एक्स प्लस वाई, तो इसमें क्या है मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव है x डॉट x प्लस x डॉट y, ऐसे ही है। अगला स्टेप क्या होगा, x डॉट x का मतलब क्या है, इंडेम्पोटेंसी थ्योरम अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है उसमें, सेम से अगर मैं एंड या और करता हूं तो रिजल्ट विल बी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ये रह जाएगा x प्लस x डॉट y, ऐसे ही है। और अगर x प्लस x डॉट y देखें तो ये तो यही नहीं है जो अभी अभी मैंने यहां से प्रूफ किया है, ये वाली चीज, यही चीज तो अभी मैंने प्रूफ की है, x प्लस x डॉट y इक्वल्स टू x, यानी इसके आगे अगर मैं ये स्टेप्स कर दूं जो यहाँ लिखे हुए हैं इसके आगे, तो यही स्टेप्स होंगे, ये स्टेप्स कर दूं तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी, ये भी इक्वेलेंट टू x है, सेम, समझ में आई बात, तो ये दोनों प्रूफ हो रहे हैं कि ये x के इक्विवेलेंट हैं। x डॉट x, हाउ x हुआ,
इसके लिए फिर से मैं वही करता हूँ कि पिछली स्लाइड पे चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक्स डॉट एक्स किस तरीके से एक्स हुआ, ये क्लियर करते हैं और रिकॉल के लिए लेट्स गो बैक। तो लेट्स गो बैक एंड सी, अभी तो हमने पढ़ा एक्स डॉट एक्स इज एक्स, यानी मैं ये वाला कॉम्बिनेशन करूं या ये वाला कॉम्बिनेशन करूं, तो इनपुट अगर बोथ जीरो है तो आउटपुट विल बी जीरो, इनपुट बोथ वन है तो आउटपुट विल बी वन, तो इनपुट अगर बोथ एक्स है आउटपुट विल बी एक्स, ये अभी हमने प्रूफ किया पीछे। समझ में आइए लारे, तो मैंने कहा ना समझ में आने क्या है, ऐसा ऐसा ये जब आप यूज टू होते जाएंगे ना तो आपको याद होना शुरू हो जाएंगे, डे वन में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता और डे वन में ये होंगे भी नहीं। जी बिल्कुल ठीक हो गया, तो एब्जॉर्प्शन थ्योरम वन तो हमने प्रूफ कर लिया, एब्जॉर्प्शन थ्योरम टू भी एग्जिस्ट करता है, तो एब्जॉर्प्शन थ्योरम टू कैसे सॉल्व होगा, अच्छा एब्जॉर्प्शन थ्योरम टू कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए थोड़ी सी मुझे आपको देनी पड़ेगी हिंट, हिंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो मैं पहले आप लोगों की आसानी के लिए इसको ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि हो क्या है, एक्स है प्लस है और पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा एक्स बार डॉट वाई, ठीक है पहले ये ऑपरेशन, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें बजहिर चूंकि हम ट्रेंड हैं अलजेब्रा को मैथ्स को इस तरीके से देखने में, तो इसको मैं देख रहा हूँ एज प्लस और मल्टीप्लाई की इक्वेशन, लेकिन ये प्लस और मल्टीप्लाई नहीं है, मैंने बताया था ये और एंड है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाएगी एक्स प्लस एक्स बार डॉट एक्स प्लस वाई, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया मैंने वो अप्लाई कर दिया इस पर, ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम अप्लाई कर दिया मैंने, तो ये दोनों चीजें इक्वेलेंट है, आप पीछे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम अभी हमने प्रूफ किया है ये, ठीक है दो देखे थे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, केस बी वाला तो ऑब्वियस वाला है, केस ए वाला जो है वो सेकेंड वाला है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम मैंने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेलेंट टू राइट हैंड साइड की तो मैंने लिख दी, समझ नहीं यहाँ तक बात समझ में आई, x प्लस एक्स बार लिख लिया डॉट x प्लस y लिख लिया, अच्छा मैं प्लस का वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन और है, यानी मैंने क्या किया एक्चुअली x और x बार और बीच में एंड का साइन है और उसके बाद है x और y, यहाँ तक बात समझ में आई कि मैंने इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे अप्लाई हुआ है, ठीक है मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव एक्चुअली ऐसे अप्लाई हुआ है कि इस वाली टर्म को मैंने इससे भी की कर दिया है और इस वाली टर्म को मैंने इससे भी कर दिया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंड हो गया एक तरीके से, ठीक है वापस आते हैं, अब इसे मजीद अगर सॉल्व करते हैं तो आप बताएं अब कौन कौन से थ्योरम अप्लाई हो रहे हैं, एक्स प्लस एक्स बार कॉम्प्लीमेंट और का रिजल्ट क्या आएगा, जी क्लास x प्लस एक्स बार का रिजल्ट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है यानी सपोज मैं सपोज करवा देता हूँ आपके लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, सपोज x की वैल्यू वन है तो x बार की वैल्यू क्या होगी जीरो, मुझे इसका रिजल्ट बता दें, या अगर मैं x को जीरो सपोज कर लेता हूँ तो x कॉम्प्लीमेंट वन होगा, मुझे इसका रिजल्ट बता दें, दोनों केसेस में और गेट क्या प्रोड्यूस करेगा, दोनों केसेस में और गेट नहीं और गेट है, ध्यान दीजिए और गेट है, और गेट में एक भी वन आ जाता है तो रिजल्ट विल बी क्या होता है वन होता है, और गेट में एक भी वन आ जाए तो वन होता है, तो इसका रिजल्ट तो मेरे पास सिंप्लीफाई होके हो जाएगा वन, ठीक है डॉट बीच में वैसे ही मौजूद है, ठीक है और ये रहेगा मेरे पास एक्स प्लस वाई, अब कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है, अब आगे अगर आपको ध्यान दिया जाए तो थ्योरम अप्लाई हो रहा है वन डॉट और एक्स वाई यहाँ पर मौजूद है, चले मैं जेड का वर्ड यूज कर लेता हूँ, वन डॉट जेड का मतलब क्या होगा, एंड हो रहा है और एंड में अगर एक भी वन आ जाए तो रिजल्ट विल बी
नाइन। चलें ये भी आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अगर मैं 1.0 करता हूँ तो इसका रिजल्ट आता है 0, ठीक है, और अगर मैं 1.1 करता हूँ तो इसका रिजल्ट आता है 1। तो इट मीन्स अगर मैं 1.z करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1.z का रिजल्ट आएगा z, समझ रहे हैं बात, 1.z का रिजल्ट आएगा z, क्योंकि 1.0 इज 0 एंड 1.1 इज 1, तो इसका रिजल्ट आएगा z। तो इस वक्त ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन मेरे लिए क्या है, z वाली साइड है, क्योंकि ब्रैकेट्स लगे हुए ना, ब्रैकेट्स क्लियरली बता रहे हैं कि पूरे के साथ मुझे एंड करना है। तो पूरे के साथ जब मैं एंड करूंगा तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन क्या होगी, एज इट इज आ जाएगी, और वन यहाँ से गायब हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा मेरे पास एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई रह जाएगा, एक्स प्लस वाई रह गया, क्योंकि एंड गेट की प्रॉपर्टी में अगर वन आता है तो वन एब्जॉर्ब हो जाता है, गायब हो जाता है, या सिंपली समझ लें वन मल्टीप्लाई हो गया, वन मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स प्लस वाई रह गया, तो हेंस प्रूफ एक्स प्लस वाई आ गया, राइट हैंड साइड कैसे प्रूफ करेंगे। एक्स को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा कि आपको अगर मैं सॉल्व करता हूं, एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट वाई, यही होगा, और अगर डॉट हो रहा है कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट का एंड क्या आएगा, जीरो, बिल्कुल सही बात है, जीरो आ जाएगा, क्योंकि एंड गेट है, एंड गेट में कॉम्प्लीमेंटेड का रिजल्ट जीरो आ जाएगा, प्लस एक्स, और इसका क्या होगा, और गेट के साथ अगर जीरो लगाओ तो क्या आता है रिजल्ट, जीरो, अगर मैं किसी चीज में ऐड करूं तो रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, इट विल बिकम एक्स डॉट वाई, ठीक है, जीरो को अगर मैं और करता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू नल प्रॉपर्टी, यानी मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देता हूँ किस प्रॉपर्टी के तहत मैंने किया है, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली जीरो प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी है अभी जो हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है, जीरो प्लस एक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो आपको मैं रेकमेंड ये करूंगा कि इस लेक्चर को एक मरतबा रिविजिट कीजिएगा, और जब ये वाली स्लाइड जो है ना इसको वीडियो में देख रहे हो ना तो अपने लैपटॉप पर, ये मैंने लेक्चर शायद अपलोड किया नहीं, मैं कर दूंगा, तो आप लेक्चर खोल के रखिएगा वो वाली स्लाइड जहाँ थ्योरम लिखे हुए, और फिर इसको इसको स्लाइड को चलाइएगा वीडियो को, और फिर चेक कीजिएगा हाँ इस थ्योरम के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ ये वाला थ्योरम अप्लाई हो रहा है, थ्योरम सामने रखकर इस वाले लेक्चर स्लाइड्स को या वीडियो को प्ले कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, रिकैप कर लीजिएगा, अभी कर लेंगे, हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला थ्योरम भी प्रूफ हो गया। फालतू मैं कभी भी सारे एल्गोरिथम प्रूफ नहीं कराता, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन है तो मुझे सारे के सारे करवाने पड़ रहे हैं। फर्दर क्या है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फर्दर हमारे पास कौन से थ्योरम है, डिमॉर्गन, डिमॉर्गन से आप अच्छे से फेमिलियर हैं, डिमॉर्गन में आपने पढ़ा होगा इंटरसेक्शन और यूनियन में आता था डिमॉर्गन, तो उधर भी होता था इधर भी है, और बड़ा सिंपल सा रूल है, डिमॉर्गन कहता है कि अगर x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये इक्वेलेंट होता है x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट, यानी x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, अगर x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये इक्वेलेंट होता है x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, यानी इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट, होल का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो ये इक्वेलेंट होता है इंडिविजुअल का, और ये बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैंने आपको ऑलरेडी कराई है, अगर मैं इस से लेफ्ट हैंड साइड वाली डायग्राम को लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को डायग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये डायग्राम क्या बनेगी, ये डायग्राम एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई का मतलब है और गेट, ठीक है, और गेट का क्या लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया बबल, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है ये नॉर गेट है आपका, ठीक है, और इसको कह रहे हैं ये इक्वेलेंट है किसके, एक्स कॉम्प्लीमेंट
यानी एक्स पे बबल लगा हुआ है और वाई कॉम्प्लीमेंट वाई पे भी बबल लगा हुआ है, और इनका क्या हो रहा है आपस में एंड हो रहा है। तो अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर तो मैंने कुछ इक्विवेलेंट सर्किट की बात की थी, और इक्विवेलेंट सर्किट में बताया था जहाँ पे बबल है वहां से हटा देते हैं और एंड गेट है तो और में कन्वर्ट कर देते हैं, और गेट है तो एंड कर। तो डी मॉर्गन थ्योरम इज एक्चुअली दैट इक्विवेलेंट सर्किट लॉजिक, ठीक है, इक्विवेलेंसी की जो हमने बात की थी, ठीक है। तो ये वही चीजें, तो यहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पे बबल एबसेंट है। याद करा देता हूँ कि बबल्स के बारे में क्या कैसे बताया था मैंने, बताया था यहाँ पे बबल्स नहीं है, ठीक है, यहाँ एबसेंट है, यहाँ एबसेंट है। तो जब मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो इन दोनों जगह पे बबल्स आ जाएंगे, यहाँ बबल आ गया और यहाँ बबल आ गया, और जहाँ पे बबल मौजूद है वहां से मैं बबल को हटा दूंगा, और सिंपली एंड गेट है तो उसको और में कन्वर्ट कर दूंगा, और गेट है तो उसको एंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो एक्चुअली ऑन बूलियन अलजेब्रा ये होता क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई होता है। यानी अगर मैं किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं उसके ऊपर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास उसका एग्जैक्टली इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब है इसके ऊपर वही इनपुट अप्लाई करूँ तो सेम आउटपुट आएंगे एज इट इज, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्विवेलेंट, लेफ्ट हैंड साइड वाला नॉर गेट का वो डी मॉर्गन थ्योरम है और राइट हैंड साइड वाला कौन से गेट का है, कौन बताएगा मुझे, कोई बताएगा कि डी मॉर्गन थ्योरम बी कौन से गेट का डी मॉर्गन है? नहीं, बता देता हूँ, नैंड गेट का है, क्योंकि एक्स डॉट वाई का होल बार इज इक्वल टू नैंड गेट, नैंड गेट नॉट और गेट, नैंड गेट। इस इक्वेशन को आप पहचान नहीं रहे कि ये इक्वेशन किस चीज की होती है, एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज नैंड गेट, ठीक है। तो सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो पिछली चीजें भूलिएगा मत, साथ साथ याद रखिए, ठीक है। ये हो गया डी मॉर्गन। इसके अलावा थ्योरम कैन बी प्रूव यूजिंग ट्रुथ टेबल मेथड, और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, आप चाहें तो एक्सरसाइज के लिए डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था, ट्रुथ टेबल बनाया था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया था और दोनों के आउटपुट्स को कंपेयर कर लिया था तो पता लग गया था कि ये इक्विवेलेंट है। तो आप डी मॉर्गन थ्योरम को एक्सरसाइज के लिए प्रूव कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन थ्योरम सॉल्व करके बताया हुआ ऑलरेडी, मैं आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूँ तो इसको मैं कर दूंगा पास, और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है इस पर कौन कौन से थ्योरम अप्लाई हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई हुआ, फिर कम्युलेटिव कम्युटिविटी अप्लाई हुआ, फिर आइडेंटिटी अप्लाई हुआ, फिर आइडेंटिटी अप्लाई हुआ, तो सारे थ्योरम्स के नाम भी यहाँ पे मैंशन कर दिए हैं, लेकिन ये सॉल्व मैं ऑलरेडी करके बता चुका हूँ तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ कह रहे हैं बाय डुअलिटी थ्योरम, डुअलिटी थ्योरम का मतलब है कि 6b भी x के इक्विवेलेंट होगा, लेकिन हमने 6b को भी प्रूफ करा, 6a को भी प्रूफ किया, लेकिन डुअलिटी क्या कहती है, डुअलिटी ये कहती है जहां जहां और लगा हुआ है वहां पे एंड कर दें और जहां जहां एंड लगा हुआ है वहां पे और कर दें। यानी इस इक्वेशन को अगर मैं देखता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये इक्वेशन डुअल है इस इक्वेशन, अगर इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो मैंने इसमें प्लस की जगह पे डॉट लगा दिया और डॉट की जगह पे प्लस लगा दिया, ठीक है, और ब्रैकेट से ये बात क्लियर कर दी कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, चूंकि ओरिजिनल में पहले एक्स डॉट वाई होना है तो मैंने पहले ब्रैकेट कर लिया और फिर साइंस को रिप्लेस कर दिया प्लस को डॉट से और डॉट को प्लस से, और साथ ही साथ एक और चीज भी चेंज होती है डुअलिटी में, वो होता है जीरो और वन, आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज हो जाते हैं, और ये हमने प्रूफ भी कर लिया, खैर दोबारा से करने की इसको जरूरत है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों थ्योरम्स के हमने प्रूफ कर लिए। डुअलिटी की बात कर रहे हैं तो डुअलिटी क्या होती है, डुअलिटी प्रिंसिपल में क्या होता है, एवरी वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन इक्वालिटी, बात करें इक्वालिटी, एक बूलियन एक्सप्रेशन की इक्वालिटी रिमेन्स वैलिड अगर आप उस पर डुअलिटी भी अप्लाई कर दें, और डुअलिटी में सिर्फ क्या होता है प्लस और डॉट इंटरचेंज हो जाते हैं और वन और जीरो इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एग्जांपल, ये एक थ्योरम है जो वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है, हमने इसको पढ़ा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है, यानी a प्लस बी डॉट सी इज इक्वेलेंट टू a प्लस बी डॉट ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और इसको हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं, कह रहे हैं चूंकि ये एक वैलिड
थ्योरम है, तो इस पे अगर मैं डुअलिटी अप्लाई कर दूं तो वो भी एक वैलिड थ्योरम होगा। और डुअलिटी का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में जहां जहां प्लस है वहां वहां मैं डॉट लगा दूं, और जहां जहां डॉट है वहां मैं प्लस लगा दूं, और अगर कहीं वन और जीरोज हैं तो उनको भी इंटरचेंज कर दूं। तो यहाँ पे वन जीरो तो नहीं है, तो आप देखें ये जो इक्वेशन बनाई है मैंने, इसमें प्लस की जगह इन दोनों को कंपेयर कर लें, अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, ये दोनों, इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो आप देखें ए प्लस बी डॉट सी था, मैंने लिख दिया ए डॉट बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड पे क्या था ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो मैंने कर दिया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो कह रहे हैं कि ये दोनों थ्योरम परफेक्टली वैलिड हैं, और हैं भी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव और वाला, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एंड वाला है, दोनों परफेक्टली वैलिड है। किस चीज को बेटा ट्रुथ टेबल से प्रूव करेंगे, तो वन जीरो चेंज करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा आपका समझा नहीं हो दोबारा से बता दीजिए, या अगर आप वर्बली बताना चाहते हैं तो मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ अच्छा देखो, पहले पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा फिर प्रूव होगा, ठीक है, पहले कन्वर्ट होगा फिर प्रूव। अच्छा प्रूफ जब आप करने जाओगे ना, तो आप प्रूफ करोगे ये वाली साइड इज इक्वेलेंट टू ये वाली साइड, और जब इसको प्रूफ करने जाओगे तो ये वाली साइड इक्वेलेंट टू ये वाली साइड। आप इन दोनों को आपस में प्रूफ नहीं करोगे, मतलब ये दोनों को इक्वेलेंट मत समझ बैठना कि ये और ये इक्वेलेंट है, ये ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक परफेक्टली वैलिड थ्योरम जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हैं, उस पर अगर मैं डुअलिटी अप्लाई करूँ तो जो एक नया थ्योरम डेवलप होगा उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होंगी, मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो, अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, नीचे वाले पे फोकस करूँ, कि ये नीचे जो आपका डिमॉर्गन थ्योरम गिवन है, ये डिमॉर्गन थ्योरम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वेलेंट होता है इसके एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ये डिमॉर्गन थ्योरम है, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर ये एक वैलिड डिमॉर्गन थ्योरम है तो ये भी एक वैलिड डिमॉर्गन थ्योरम होगा, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ क्या किया है, इस वाले थ्योरम के अगेंस्ट जो पहले वाला लिखा हुआ है, ये वाला, इसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात हो रही है। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जहां जहां प्लस प्लस था वहां मैंने क्या कर दिया, डॉट डॉट कर दिया, और जहां राइट हैंड साइड में डॉट डॉट था वहां पे राइट हैंड साइड पे प्लस प्लस कर दिया। तो कह रहे हैं ये लेफ्ट वाला भी परफेक्टली वैलिड डिमॉर्गन थ्योरम है और राइट वाला भी परफेक्टली वैलिड डिमॉर्गन थ्योरम है, ये आपस में इक्वेलेंट नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट वाला है यानी इसकी बात की जाए तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वेलेंट टू राइट साइड अगर है तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेलेंट टू राइट हैंड साइड होगी, ठीक है, ये बात की जा रही है। सिमिलरली अब लास्ट वाला आया, इस एग्जांपल में देखें जीरो वन मौजूद है तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। ये कह रहे हैं कि ये थ्योरम अगर वैलिड है, अगर ये थ्योरम वैलिड है, पहली बात तो कह रहे हैं वैलिड है, कौन सा थ्योरम है, एक्स प्लस वन इज एक्स, क्या ये वैलिड थ्योरम है? जी हाँ ये वैलिड थ्योरम है, अभी मैंने पढ़ा आइडेंटिटी में कि अगर और गेट में एक भी वन आ जाता है तो रिजल्ट विल बी वन। तो अगर इसके ऊपर मैं डुअलिटी अप्लाई करता हूँ तो डुअलिटी में क्या चेंज आएगा, प्लस की जगह डॉट हो जाएगा और वन की जगह जीरो हो जाएंगे। तो मैंने इस पर अप्लाई किया डुअलिटी, और डुअलिटी अप्लाई करके जो नया थ्योरम मेरे सामने आया वो ये आया। तो कह रहे हैं ये वाला थ्योरम भी परफेक्टली वैलिड होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है, एक्स डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो, और ये थ्योरम भी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया, एक्स डॉट जीरो एक्चुअली जीरो के इक्वेलेंट होता है, यानी अगर मैं इस वाले का ट्रुथ टेबल बनाऊं तो वो इक्वेलेंट आएगा, और इस वाले का भी ट्रुथ टेबल बनाऊं तो वो भी इक्वेलेंट टू जीरो ही आएगा। और ये बात अभी थोड़ी देर पहले, ये दोनों थ्योरम हमने प्रूफ किए हैं ट्रुथ टेबल से, ठीक है। तो डुअलिटी थ्योरम का मतलब ये नहीं है कि जो डुअल से पहले वाला था और डुअल अप्लाई करने के बाद वाले इक्विवेलेंट है, नहीं ऐसी बात नहीं हो रही। कह रहे हैं डुअलिटी से पहले अगर एक थ्योरम वैलिड थ्योरम है तो डुअलिटी के बाद आने वाला थ्योरम भी एक वैलिड थ्योरम ही होगा, बस ये बात की जा रही है, ठीक है। तो डुअलिटी पे ज्यादा हम नहीं जाएंगे, बस एक कॉन्सेप्ट सा समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। बूलियन फंक्शंस, बूलियन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन फॉर्म विद बाइनरी वेरिएबल, टू बाइनरी ऑपरेटर्स और एन एंड और एक नॉट ऑपरेटर यूज होता है, और उसके सिंबल्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और डॉट हम कभी कभी नहीं भी लगाते, ठीक है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉट का साइन हम कभी कभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक रैंडम एग्जाम्पल्स हैं, और कह रहे हैं एफ वन जो है उसकी इक्वेशन है एक्स डॉट वाई डॉट जेड बार, एफ टू की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बार डॉट जेड, एफ थ्री की इक्वेशन है
एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड प्लस एक्स बार डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई बार। एंड एफ फोर की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बार प्लस एक्स बार डॉट जेड। ठीक है, तो ये कुछ रैंडम सी एग्जांपल लिखी हुई एक बात समझाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये कैसे आए इक्वेशन, मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई यही है? तो अगर सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि एक्स डॉट वाई डॉट जेड बार। तो इसका बड़ा अच्छा सा तरीका है इसको समझने का, इस इक्वेशन को मैं वन जीरो से कन्वर्ट कर लेता हूँ और पता लगा लूंगा कि कहाँ कहाँ पे मेरा आउटपुट वन आएगा। ये मुझे ये बता रहा है कि मेरा आउटपुट किस किस जगह पे वन होगा, यानी एफ वन की बात करें तो एफ वन में कहाँ कहाँ मेरा आउटपुट वन होगा ये देखें। तो इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ वन जीरो में, और मैं एक एजम्पशन ये लेके चल रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो जीरो और विदाउट कॉम्प्लीमेंट होगा तो वन। यानी एक्स विदाउट कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने लिखा वन, वाई विदाउट कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने लिखा वन, और जेड मेरा क्या है कॉम्प्लीमेंटेड है, इसके ऊपर इन्वर्ट लगा हुआ है तो इसको लिख लिया जीरो। तो एफ वन कह रहा है कि सिर्फ मैं एक ही जगह पे वन होगा और वो कौन सा कोड है 110। मैं अपने टेबल में गया हूँ, टेबल में चेक किया 110 वाला कोड कौन सा है, 110 वाला कोड है ये। मैंने 110 वाले कोड में देखा तो ये देखें सिर्फ ये यही बता रहा है कि मेरी वैल्यू, एफ वन कह रहा है कि मेरी वैल्यू सिर्फ इस जगह पर वन है। एफ वन क्या कह रहा है, मेरी वैल्यू सिर्फ इसी जगह पर वन है, तो ये मैंने इस जगह पर वन लिख लिया। समझ में आई ये बात, मैंने 101 में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये किसका कैमरा ओपन हो रहा है बार बार, मोहम्मद? ठीक है, तो 110 मैंने कोड कैसे निकाला, x विदाउट कॉम्प्लीमेंट था तो 1 लिख दिया, y भी विदाउट कॉम्प्लीमेंट था 1 लिख दिया, z कॉम्प्लीमेंटेड था तो 0 लिख दिया। आपने टेबल में गया और देखा 110 वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो आप देखें कि वहां पे मेरे पास 1 लगा हुआ है, ये बात प्रूव होगी। सिमिलरली अगर मैं F2 की बात करूँ, F1 तो बहुत सिंपल था, F2 की अगर बात कर लेते हैं तो F2 की इक्वेशन में दो टर्म्स आ रही हैं, एक ये टर्म आ रही है प्लस के बाद एक ये टर्म आ रही है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये ट्रिकी वन है। ट्रिकी वन क्या है, X इधर X मौजूद है इस टर्म में लेकिन वाई जेड मिसिंग है, यानी मुझे पता है X में तो वन आया हुआ है, कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, x में तो वन आया हुआ है, कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, और y z एब्सेंट है, तो मैं फिलहाल डाल देता हूँ डैश। ठीक है, दूसरी टर्म क्या है, x एब्सेंट है, y आया हुआ है लेकिन कॉम्प्लीमेंटेड है तो जीरो लिख दिया मैंने, और z में मैंने वन लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास इस वक्त सिचुएशन है, एब्सेंटीज की जगह मैंने डैश लगा दिया और जो प्रेजेंट हैं उनकी जगह पे चेक किया, अगर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है तो जीरो, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है तो वन। अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। वर्क क्या करते हैं कि अब चूंकि यहाँ पर डैश है तो डैश का मतलब इधर जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, यानी ये कोड पॉसिबली दो कोड्स में आ सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। थर्ड लास्ट लाइन क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? अच्छा, खैर, अच्छा अभी आते हैं रिजल्ट्स पे। तो यहां पे देखें x एब्सेंट है, y और z क्लियर है, तो मैं ये ज्यूम कर सकता हूं कि इधर x वैल्यू हो सकता है जीरो हो और उसके साथ y और z की यही वैल्यू आ जाए 0 1। हो सकता है x की वैल्यू 1 हो और उसके साथ y 0 और z 1। तो मैंने y, ये तो वही रखा कोड जो ऊपर मौजूद था, यानी थोड़ा सा इसको कर देता हूँ साइज के कलर चेंज कर लेते हैं, यानी ये कोड तो मैंने यही रख लिया जो इधर लिखा हुआ है, ये दोनों में सेम है ये वाला कोड, लेकिन x की जगह मैंने assume कर लिया 0 भी हो या 1 हो, यानी absent का मतलब ये होता है कि वो 1 हो या 0, दोनों cases में जो consider कर लेने, तो मैंने 1 वाला केस भी consider कर लिया, 0 वाला भी, तो दो codes बन रहे हैं। क्या code बन रहा है, 001 और 101। तो अब मैं अपने इसमें टेबल में चेक करता हूँ, 001 का कोड आ गया ये वाला,
और 101 का कोड आ गया ये वाला, तो इन दो जगह पे मेरा आउटपुट 1 होगा। आप चेक कर लें, ये F2 में गया हूँ, ये देखिए ये रहा 1 लगा हुआ है, और ये F2 में गया हूँ, ये देखिए ये वाला भी 1 लगा हुआ है, ये दो तो 1 हो गए, ठीक है, ये दो तो 1 हो गए, ठीक है, ये दो 1 हो गए। लेकिन अगर इस वाले कोड की बात की जाए तो आप कुछ समझदार हैं, समझ गए कि इसमें तो दो एबसेंट है, यानी इस केस में चार पॉसिबल कोड कौन से हो सकते हैं, इस पॉस में चार पॉसिबल कोड ये हो सकते हैं कि 1 के साथ एक्स और वाई 0 0 भी आ सकता है, हो सकता है 1 के साथ एक्स और वाई 0 1 आ जाए, हो सकता है 1 के साथ एक्स और वाई 1 0 आ जाए, हो सकता है एक्स 1 के साथ वाई और जेड 1 1 आ जाए, यानी एबसेंट का मतलब है उसमें सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो इसमें ये पॉसिबिलिटीज हैं, यानी ये कोड्स भी बन रहे हैं, तो मुझे इन कोड्स को भी चेक करना है, तो अपने कोड में मैं ये सारे कोड्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या कोड्स बन रहे हैं, मैं लिख लेता हूँ, इधर से जो कोड बने वो भी लिख लेता हूँ, इधर से जो कोड बन रहे हैं वो बन रहे हैं, यहाँ लिख लेता हूँ 001 और 101, ठीक है, ये कोड बन गए, और इनको क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मैसी जो हो रहा है वो हट जाए। ये क्यों क्लियर हो गया, मैं इरेज कर रहा हूँ या अंडू हो रहा है, चलिए ठीक है, ये कोड्स है ना, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। तो हाईलाइट किया जाए तो कोड निकला है 100, 100 का मतलब है ये कोड पे 1 आना चाहिए, और 101 इस पे भी 1 आना चाहिए, 110 इस पे भी 1 आना चाहिए, 111 इस पे भी 1 आना चाहिए, और इधर से ये दो कोड्स अगर मैं पिक करूँ, ये दो कोड्स कौन से हैं, 011 इस पे भी 1 आना चाहिए, और 101 तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो आप चेक कर सकते हैं इन पांचों कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट मेरे पास आउटपुट जो है 1 आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप इक्वेशन को फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आगे बताऊंगा कुछ बातें, इसमें मैंने अभी से बता दी, रुका नहीं। फुल क्लास तो इस तरीके से फंक्शन 2 हमने प्रूव कर लिया, सिमिलरली फंक्शन 3 भी आप चाहें तो देख सकते हैं और इसे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी मैं नहीं जाना चाहूँगा उस डिटेल में, आगे चलेंगे तो आप इसको प्रूफ कर लेंगे। लेकिन एक बात जो यहाँ पे मैं एम्फोसाइज करना चाहूँगा वो ये है, फंक्शन 3 और 4 से रिलेटेड अगर आप ध्यान दें, तो अगर मैं फंक्शन 3 और फंक्शन 4 के आउटपुट्स को कंपेयर करूँ तो ये एग्जैक्टली सेम है, समझ रहे हैं बात, एग्जैक्टली सेम होने का मतलब क्या है कि फंक्शन 3 इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू फंक्शन 4, यानी ये जो इक्वेशन आपके पास यहाँ लिखी हुई है, फंक्शन 3 में जो इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड प्लस एक्स बार डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई बार, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स बार डॉट जेड, यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये दोनों इक्वेलेंट है, दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। लेकिन अगर बाहर देखा जाए तो F3 एक कॉस्टली इक्वेशन है, क्योंकि इसमें बड़ी है, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, इम्प्लीमेंटेशन भी मुश्किल होगी, एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा है, जबकि F4 वाली इक्वेशन सिंप्लीफाइड है। तो ये इक्वेशन कैसे इक्वेलेंट है ये बात मैं आपको बता देता हूँ, इसको प्रूफ भी कर देते हैं, यानी इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे, तो बड़ा आसान सा तरीका है सिंप्लीफाई करने का, और वो ये है कि ये जो टू टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं इसमें टोटल, इसमें से जो शुरू की दो टर्म्स हैं इसमें मैं कॉमन ले लूँ, तो इन दोनों इक्वेशन में क्या चीज़ है जो मैं कॉमन ले सकता हूँ, जी क्लास, इन दोनों इक्वेशंस में क्या चीज़ कॉमन है, इसमें कॉमन आ सकता है एक्स कॉम्प्लीमेंट और डॉट जेड, ये चीज़ें मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, और इवेंचुअली ये जो है मल्टीप्लाई हो रही होंगी किस चीज से, वाई बार प्लस वाई से, ये हो जाएगा, और ये इक्वेशन ऐसी रहेगी जो लिखी हुई है एक्स डॉट वाई, ठीक है, मैं सिंप्लीफाई करके बता, और फिर अगर आपको याद हो वाई बार प्लस वाई इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू क्या होता है, किसके इक्वेलेंट होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, जी क्लास, वाई प्लस वाई बार किसके इक्वेलेंट होता है, इसको भी मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें हो क्या रहा है,
y प्लस वाई बार इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू वन, क्योंकि और हो रहा है और गेट में एक भी वन आ जाए तो रिजल्ट विल बी वन, और ये अब मेरे पास सूरत हाल है। और चूंकि प्रेसिडेंस एंड गेट की ज्यादा होती है तो पहले ये वाली साइड सॉल्व होगी, यानी वन मल्टीप्लाई हो रहा है या एंड हो रहा है एक्स वाली इक्वेशन से, तो ये बन जाएगा एक्स बार डॉट जेड, और वन इसे एब्जॉर्ब और हो गया या मल्टीप्लाई हो गया, और ये बन जाएगी एक्स डॉट वाई बार। तो ये इक्वेशन हमने सॉल्व की है एफ थ्री को, और अगर इसको आप चेक करें तो ये एट इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू एफ फोर, तो ये एफ फोर और एफ थ्री इक्वेलेंट आ गए। प्लेस पोजिशन डजेंट मैटर, पहले मैं वाला पार्ट लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इक्वेलेंट है और दैट्स वाई इनके ट्रुथ टेबल में जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मजीद टाइम नहीं लगा था, आप देख लीजिएगा लेक्चर का टाइम भी आप हो गया ऑलमोस्ट, तो मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक, प्रूफ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ये मैंने खुद कर दिया, आप ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन का मतलब है कि एक फंक्शन का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, ठीक है, गिवन अ फंक्शन f, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फंक्शन f बार इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग वन विद जीरोस इन द फंक्शन आउट। यानी अगर मुझे किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, से ये फंक्शन की बात हो रही है, तो अगर ये फंक्शन f1 ये है, तो f1 का कॉम्प्लीमेंट में सिंपली मुझे क्या करना है, f1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जहाँ पर जीरोज हैं वहाँ पे मैंने वन लिख दिया, और जहाँ पे वन है वहाँ पे जीरो, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। तो उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कह रहे हैं कि अगर f1 ये है तो f1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आ गया और इस पे भी होल बार आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया डिमॉर्गन के तहत तो ये सिचुएशन आ गई, डिमॉर्गन में होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं, डॉट की जगह प्लस आ गया, और फिर इस सिर्फ जेड बार को सिंप्लीफाई किया तो ये इन्वोल्यूशन थ्योरम है, आपको पता ही है, इन्वोल्यूशन अप्लाई किया तो ये मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। तो एफ कॉम्प्लीमेंट की इक्वेशन और एफ की इक्वेशन ये है, एफ की इक्वेशन है एक्स डॉट वाई डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट, जबकि एफ वन के कॉम्प्लीमेंट की इक्वेशन है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। या इन सिंपल वर्ड अगर कहा जाए, किसी भी इक्वेशन का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आप उस पर, या कॉम्प्लीमेंट फंक्शन फाइंड आउट करना है तो आप उस पर डिमॉर्गन अप्लाई करते हैं तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कंक्लूड की हुई है कि इन मोर जनरल डिमॉर्गन थ्योरम इज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग कॉम्प्लीमेंट्स फंक्शन, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस जेड का अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब है a बार डॉट b बार डॉट c बार और डॉट z बार तक। तो आप डिमॉर्गन थ्योरम आप किसी भी फंक्शन पे अगर अप्लाई कर देते हैं तो उससे आपको फंक्शन की कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाती है, बस ये बात है, इसको याद रखिएगा डिमॉर्गन से कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लेक्चर हमारा यहीं तक था, टाइम अप हो गया है, आपका दूसरा सेशन होगा फुली, तो मैं इसे कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।